नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने इंस्टाग्राम के वीडियोस और फोटोज को अपने आईफोन के कैमरा रोल में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम हर हफ्ते एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये टेक्निक सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस टेक्निक का यूज करके किसी भी कॉपीराइटेड फोटो या वीडियो को आप डाउनलोड ना करें। तो दोस्तों, इस चीज़ को करने के लिए हमें अपने आईफोन या आईपैड के साथ साथ चाहिए शॉर्टकट्स ऐप। ये शॉर्टकट्स ऐप वैसे तो आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल्ड होती है, मगर बाय चांस अगर आपने इस ऐप को कभी अनइंस्टॉल कर दिया है तो इसको इंस्टॉल कर लें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद एक छोटा सा चेंज आपको इस ऐप की सेटिंग्स में करना होगा। आपको शॉर्टकट्स ऐप की सेटिंग्स में जाकर अलाउ अनट्रस्टेड शॉर्टकट्स को इनेबल कर देना है। अगर आपको ये ऑप्शन अपने फ़ोन में ग्रेड आउट दिख रहा है तो उसके लिए आप अपने फ़ोन की शॉर्टकट्स ऐप में जाएं। शॉर्टकट ऐप में जाकर आप किसी भी एक शॉर्टकट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रन कर लें। अब आप वापस अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर इस ऑप्शन को इनेबल कर पाएंगे। यहाँ से इसको अलाउ कर दीजिए। अब आप इस शॉर्टकट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। इस शॉर्टकट का लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ और वीडियोस को किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये शॉर्टकट कैसे काम करता है। इंस्टाग्राम ऐप में हम सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इस वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं। इसके लिए हम अपने इस 3 डॉट के बटन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम इस शेयर टू ऑप्शन में जाएंगे। शेयर टू ऑप्शन में आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये शॉर्टकट आपसे आपकी परमिशन मांगेगा, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर फोटोज़ की परमिशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, इसको भी ओके कर दीजिए। दोस्तों, ये सब परमिशन आपको सिर्फ एक बार देनी है, उसके बाद ये आपको बार बार ये मैसेजेस नहीं आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि फोटोज़ ऐप में ये फोटोज़ हमारी डाउनलोड हो गई है। उसी तरीके से हम इंस्टाग्राम वीडियोज़ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डेमोंस्ट्रेशन के लिए हम इस वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं। उसके लिए भी हमें इस 3 डॉट पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद हमें इस शेयर टू ऑप्शन में जाना है। शेयर टू ऑप्शन में यहाँ पर इंस्टाग्राम डाउनलोड पर टैप कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो अब डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये वीडियो अब हमारे कैमरा रोल में डाउनलोड हो गई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपने इंस्टाग्राम के फोटोज़ और वीडियो को अपने आईफोन के कैमरा रोल में सेव कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।